करूं वो मेरे से करे, आप किसी को पसंद करें, हाँ उससे शादी ख्वाहिश जाहिर करें। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देयर इज नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव देन मैरिज। बट वी आर टॉकिंग अबाउट जीएफ ओवर हियर कि व्हेन, ये भी मैं आपको बताऊं एक बात, आप दोनों मुझसे एग्री करेंगे कि लड़कों की मेंटालिटी जितनी मैंने चेक की है कि जीएफ के लिए तो उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो बड़ी ना वो मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न, और बड़ी वो ड्रेसिंग ऐसी वैसी करती हो, बट नॉट टू जज एनीवन, बट यू नो व्हाट आई मीन ड्रेसिंग से, कि यानी कि मॉडर्न सी ड्रेसिंग हो। बट वाइफ के लिए उन्हें शरीफ खातून चाहिए, क्योंकि मेंटालिटी है कि नहीं है। एग्जैक्टली है, और ये एक बड़ा अलमिया है हमारा कि इससे हमारी सिस्टर्स को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि दे शुड नॉट, यू नो, कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर डिग्निटी, दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर शराफत और हया। सब में हया है हमारे, मैंने जैसे कहा ना, पाकिस्तानी औरत मेरे नजदीक माशाल्लाह ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है व्हेन इट कम्स टू हया स्टिल। एग्जैक्टली, बट पता नहीं शायद पीयर प्रेशर में या उस फ्लो में डूब जाते हैं हम। जैसे अभी रिसेंटली ये फूल दिया उसने लड़के ने, फिर यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई, दोनों को मैंने मैसेज दिया कि चलो तुम शादी करना चाहते हो, अल्लाह तुम्हारी शादियां कराए, लेकिन इनको देख के कोई और बंदा ये वीडियो बनाता है, लड़का लड़की, और खुदा ना खास्ता उनकी शादी नहीं होती है और ये वीडियो वायरल हो जाती है, तो कल को जिससे उसकी शादी होगी लड़की की, तो वो उसके मिये ने वीडियो वायरल होती देख ली, हु नोस कि तुम्हारी शादी किससे होगी। तो फिर इन खराफात से तो बचना चाहिए ना। तो जीएफ का कॉन्सेप्ट इज समथिंग एल्स, बट यू कैन डेफिनेटली लाइक समवन एंड यू कैन टॉक टू पेरेंट्स। दिस नो हार्म इन लाइकिंग समवन, दिस नो हार्म इन इट, बट व्हाट यू डू विद दैट लाइकिंग समवन, just kya kehte hain, what you're going to do with liking someone, that's up to you. Yeah, you have to make that right. Are you going to do right with that liking, or are you going to do wrong? Absolutely. Problem is this, that you should not prolong that thing. aapko cheez aapko pasand aa gaya, like aapko koi ladki pasand aa gayi hai, to usko prolong na kare na. aap unke jo unke guardians hain unse baat kare. agar aap prolong kare, nahi, let's graduate together, let's have semester one, let's study together, let's have some projects, like do internship together, like blah 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 blah. The point is this, agar aap responsible ho, if you have so courage, agar aap waqai mard ho, then do and go talk with her father or with your brother. Excellent. When I want to marry a guy who is from other caste, leave parents to me. ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना है, ये गाना है शायद उसको कोट किया है उन्होंने। तो आई मीन ये भी एक अलमिया है हमारी सोसाइटी में कि कास्ट बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कि नहीं जी कास्ट में करनी है। I've seen many from my experiences, I've seen many people who you know have got just not destroyed because of this but failed because of this, because that's the only thing that the parents focus on, कि अच्छा एज को छोड़ो सारा कुछ, कास्ट क्या है सबसे पहले पूछते हैं, कास्ट क्या है, और अगर कास्ट you know if it's different to be nay leave it. So this is wrong, you know, just focusing on caste, like it's totally wrong. Jaise Prophet sallallahu alaihi wasallam ne kaha ke aurat se char wajuhat ki aise shaadi ki ja sakti hai, hasb o nasb, beauty, background aapka, financial background, and deen. So choose the one jo deendar hai. Yes, hum iska inkaar nahi kare, caste does matter in some cases, क्योंकि देखिए ना अल्लाह कहते हैं सूरह हुजरात में कि हमने आपको कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान। अब सेम कास्ट में होता है, रवायतें सेम होती हैं, आपकी ट्रेडिशन सेम होती हैं, बहुत सी आदात सेम होती हैं, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन ये इतना कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप रिलीजियस लड़की को लड़के को दूर कर दो और आप कास्ट पे ही आ जाओ कि नहीं नहीं कास्ट कास्ट चाहिए, मेन फोकस नहीं बनाना, मेन फोकस नहीं बनाना। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक दीनदार लड़का, अल्लाह से डरने वाला लड़का आता है, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगता है, तो तुम अपनी बेटी की उससे शादी करो, बिकॉज अगर तुम नहीं करोगे तो दुनिया में फितना फैलेगा। ये क्लियर सही हदीस है। तो बहरहाल बड़ी और भी सवालात थे, मीम्स कुछ और भी थी, बट टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और मैं इनफैक्ट मैंने आज ऑडियंस को कहा था कि मैं कुछ उनके भी सवालात लूँगा, सो लेट मी सी के कुछ सवालात जो है ऑडियंस के। तब तक अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें, खुद से कोई एडवाइस देना चाहें, आप दोनों यूथ को, स्पेशली योर एज ग्रुप, यू नो इट्स वेरी हार्ड टू गेट मैरिड इन योर एज, माशाल्लाह मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द शर एंड फितना एंड नज़रे बद। तो एनी एडवाइस टू द यूथ? द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह वाज यू नो माय पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह दे सपोर्टिव, I'm totally open with them, they're totally open with me, you know, alhamdulillah we have such a beautiful relationship, you know, we could talk about anything. So
Alhamdulillah, being close to your parents is the main thing as well. तो इनकी एडवाइस ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ क्लोज रहें, अपने पेरेंट्स के तो अगेंस्ट ना जाए ना, अपने पेरेंट्स के साथ ही रिलेशन खराब कर लेंगे तो फिर ये तो शैतान का सबसे बड़ा हरबा है। तो इनकी एडवाइस है कि बी एज क्लोज टू द पेरेंट्स एज यू कैन। रबी आपकी कोई एडवाइस तब तक मैं सवाल भी आई विल ऐड ऑन के बी क्लोज एंड बी ओपन विद योर पेरेंट्स एज वेल बट विद अल्लाह which is very very important kyunki dekhen aap aur dusri baat ye hai ki you need to make objective ki aap you need to make yourself realize ki aap sochein ki aap shaadi kyun karna chahte hain theek hai aur ye bhi sochein ki agar aap shaadi ko delay karenge to uske repercussions kya hain uski consequences kya hain I think ki aapki niyat bahut matter karti hai jis tarah नियत पे डिपेंड करता है अगर आपकी नियत अल्लाह के करीब होना है और अल्लाह को राजी करना है ऑब्वियसली दिस लाइफ इज समथिंग दैट बीइंग अ मुस्लिम यू आर हियर टू प्लीज अल्लाह सुभान व तआला और ऑब्वियसली प्रोफेसर हम सेड के जो शादी है ये आधा ईमान मुकम्मल करती है और उसके बाद ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा आप नेक हो गए हो आपको उस आधे से अल्लाह से डरना है तो अगर आप डर रहे हो अल्लाह ताला के करीब ये रिश्ता आपको कर रहे हैं तो गो फॉर इट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रिलेशनशिप बना ही कि अल्लाह सुभान व तआला के आप करीब हो जाए अगर कोई रिलेशन आपको अल्लाह से दूर कर रहा है तो उस रिलेशनशिप को आप बिल्कुल भी ऑफ ना करें। दिस इज माय एडवाइस। वेरी इंपॉर्टेंट माशा जी। डू यू वांट टू ऐड समथिंग? आई थिंक देयर इज अ सेइंग दैट हैप्पीनेस दैट ब्रिंग्स यू अवे फ्रॉम अल्लाह इज वर्स देन सैडनेस दैट सॉरी आई फॉरगॉट द सेइंग एक्चुअली आपको शायद होगा यू नो sadness that brings you towards Allah is better than happiness that takes you away from Allah. Amazing.